नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो कि पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सुरजीत कुमार जयानी जी। मंत्री जी, आपका जी मीडिया में स्वागत है। जयानी जी, सबसे पहला मेरा सवाल, आपके कार्यकाल में पंजाब कितना स्वस्थ हो पाया? मेरा कार्यकाल 2.25 साल मुझे हुए हैं जी, और उसमें पंजाब की जो जिम्मेवारी मिली है और सरदार प्रकाश सिंह बादल और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने चिंता करते हुए और ये कहा कि सेहत सेवाएँ हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े हमने उपराले किए हैं और उसमें हमने कामयाबी भी मिली है जी, और सेंट्रल सरकार ने भी हमें इस चीज़ की प्रशंसा करते हुए शाबाशी पत्र भी दिए हैं। तो जैसे हमने 104 डायल सिस्टम जो फ्री किया, 104 नंबर को इंसान डायल करता है तो अपनी उसमें शिकायत किसी तरह की वो कर सकता है और कोई सुझाव उसमें ले सकता है जी। तो उसमें 4 लाख लोगों ने आज तक डायल करके अपनी बात को पूछा और उसमें 5,000 तो हैं शिकायतें, और 5,000 के अलावा जो 3,95,000 लोगों ने उसमें सुझाव लिए कि कौन सी दवाई कहाँ लेनी चाहिए, कैसा इसका इलाज क्या है। तो ये भी 104 की सुविधा जो पंजाब में हमने दे रखी है, और 108 240 एम्बुलेंस है जी। पूरे पंजाब में किसी को डिलीवरी केस, कोई एक्सीडेंट होता है तो 15 मिनट के अंदर वो चली जाती है और मरीज को या डिलीवरी केस के किसी लेडीज को लेके हॉस्पिटल में आ जाती है, और इसमें भी लोगों को बड़ा इस चीज़ का वो फायदा मिल रहा है जी। और इसके अलावा आज डिलीवरी जो केस है वो उसके लिए हम ज़्यादा जो है सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अधीन, और उससे पहले भी ये चिंता करनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने बड़ी प्रयत्न जो है नीचे गांव लेवल तक, ढाणी लेवल तक, नीचे तक इसके उपाय किए। आशा वर्कर है, ANM है हमारी जो गांव में जाती है, तो 51% डिलीवरी जो आज पंजाब की है, 51% डिलीवरी आज हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में हो रही है। लगभग साल के अंदर 2,40,000 बच्चे में पैदा हुए जी। जयानी जी, आपने कहा केंद्र सरकार की आपको शाबाशी मिली, ये कहा जाए कि सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार ने आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया, क्या जनता ने आपको सर्टिफिकेट दिया अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए? जनता दे रही है, जनता क्यों नहीं देगी, जनता को हम सुख सुविधाएं दे रहे हैं। आज अस्पताल के अंदर 234 प्रकार की जो दवाइयाँ हम मुफ्त दे रहे हैं जी। 10 रुपये की इंसान पर्ची कटाता है और 234 प्रकार की दवाई हमने डॉक्टर उपलब्ध करा रखे हैं जी। MBBS डॉक्टर हमें पूरे कंप्लीट कर लिए जी, बाकी स्टाफ पूरा है, और 316 डॉक्टरों की जो कमी है हमारे पास स्पेशलिस्ट की, उसके लिए हमने वॉक इन इंटरव्यू रखा हुआ है। 2 महीने में इंटरव्यू हम करते हैं, 1.5 महीने में भी कर लेते हैं वॉक। यानी जी, आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ जो हैं वो हॉस्पिटल में मुफ्त उपलब्ध हैं, 234 आपने कहा कि दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि सिर्फ बुखार की दवाई या छोटे छोटे ये कहा जाए कि सर दर्द की दवाई वो उपलब्ध है, बाकी दवाइयाँ नहीं मिलती। नहीं, ये मीडिया आपके थ्रू बात होती है, पब्लिक कोई नहीं करती बात। मैं मेरा टेलीफोन नंबर ओपन रखता हूँ, खुला रखता हूँ, रात को 11 बजे मैं जब सोने लगता हूँ बंद करता हूँ और सुबह 6 बजे मैं इसको खोल लेता हूँ जी। और मैंने अपने मीडिया में भी मेरा नंबर दिया है, अगर किसी को कोई शिकायत है तो बात करे जी। तो ऐसे मेरे पास दिन में 5-10 आती है, आपके पास 4-5 क्या आती है कि वो भी उसमें अगर मेरे पास अगर 100 शिकायत आज तक आती है 100 शिकायत और मैं जांच करता हूं तो 98% झूठी सक्की पाई जाती है, 2% में कोई बात होती है। देखो वहां किसी बात होती है तो उसके लिए एम्पनिशमेंट, उसके लिए वार्निंग वो भी करते हैं जी। दूसरा, विपक्ष ये कहता है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पंजाब में जो है 0 हो चुकी है, 0 हो चुकी हैं। अगर सरकारी ये कहा जाए कि डिस्पेंसरी जो पंचायत के अधीन आती है अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ ना स्टाफ है, और ना ही अगर स्टाफ वहाँ नहीं जा रहा है तो उसको चेकिंग करने के लिए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है कोई नहीं है। देखो वो पंचायत के नीचे जो है, रूरल डेवलपमेंट के नीचे जो डिस्पेंसरी हैं वो मुझे नहीं पता है और उसके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, ना मुझे पता है उनके पास जो डॉक्टर हैं उनकी अलग बनी हुई है। और उसके अलावा क्या कि आज पंजाब के अंदर ये बात नहीं है, कोई किसी चीज़ की कहीं से दूरी नहीं है, हमारी CAC है, हमारी PAC है, मिनी PAC है जी। तो कोई भी अगर आप देखोगे तो 15-10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कहीं हमारी जो सेहत सेवाएं है नहीं जी, ज़्यादा दूरी नहीं है। और आजकल सब लोग साधन संपन्न है जी। तो अगर कोई तकलीफ हो, अगर सड़कें भी
पंजाब सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये भी नहीं कहीं कच्चे रास्ते, गांव से गांव सड़क है, शहर से शहर सड़क है, और सब सड़कों जीटी रोड से लिंक रोडें जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं से आप किसी को दिक्कत हो भी जाए तो अगर 8-10 मिनट से ज़्यादा कहीं भी नहीं लगती और डॉक्टर उपलब्ध। सड़कों की बात आपने की, विपक्ष कहता है कि सड़कें सिर्फ बोला जाता है, बात की जाती है सड़कों की, लेकिन सड़कें दिखती नहीं है। आप विपक्ष की बात छोड़ो, आप अब सड़क से आए हो, बताओ कुछ देखा आपने सड़क? चंडीगढ़ की सड़क पे, चंडीगढ़ की सड़क क्यों, आप दिल्ली से भी आए होंगे, आप लुधियाना जाके देखो कहीं एक, अब सड़कें बन भी रही। पंजाब की सड़कों की बात हो रही है, ग्रामीण इलाकों की सड़कों की बात हो रही है, आए दिन जो जनता है उनका ये कहना है कि गांव की अगर सड़कों की बात की जाए तो बहुत बुरा हाल है। विपक्ष की तो बात करोगे तो उन्होंने तो देखो, विपक्ष अगर पक्ष को सताने लग जाए, सराहने लग जाए जी, तो फिर तो लक्ष्य नहीं ना रहा। उन्होंने तो मीन मेक निकाल ली, अगर सोने की सड़क बना देंगे तो वो कहेंगे इसमें पित्तल मिला दिया, इसमें तांबा मिला दिया, तो विपक्ष ने तो कहना है। करें कि आज जो देखो बात क्या है, डेवलपमेंट की बात ही है, अगर काम की बात है तो देखो रिपीट सरकार का होना उसकी काम की ही वजह होती है। तो हमारा इम्तहान जो है अब जो 2017 में आने वाला है, जब हमारी तीसरी बारी सरकार बनेगी तो लोग मान जाएंगे हमने काम किया है, विकास किया, और लोग कुछ नहीं कहते। आज बिजली भी देख लो, सड़कें देख लो, कहीं भी कहीं। इम्तिहान 2017 में आएगा या जल्द आ सकता है? ये 2017 में जिस रूटीन से आता है, ये जनवरी फरवरी में चुनाव होता है। आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो टाइम से आएगा, सही वक्त पे होंगे, जल्दी सही वक्त पे होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं नजर भी नहीं आ रहा जी, सही वक्त पे होगा। सड़कों से बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों में 427 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें से 212 सेंटर में सरकार ने 24 घंटे सर्विस देने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनमें से 132 ही नाम मात्र की हैं, किसी में डॉक्टर नहीं है और किसी में नर्स या स्टाफ की कमी है। ये नहीं है कि जितने आप कह रहे उतने नहीं, आपने क्या किया है जी? ये नहीं कि सभी जगह जो है हम 24 घंटे नहीं चला सकते जी, और सभी जगह चलाने के लिए बड़ा कुछ चाहिए। लेकिन आपने वादा किया, वादा नहीं किया, जो वादा किया हमने 100 हॉस्पिटल पंजाब में चूज किए, गिनती में 100 जी, जो 100 हॉस्पिटल है जो तहसील लेवल जिला लेवल, उसमें कुछ और जहां आबादी और जहां ओपीडी ज्यादा है जी, तो उन हॉस्पिटलों में 100 में हमने ये स्पेशलिस्ट पूरे करके और 24 घंटे और कहां जहां डिलीवरी जहां या जहां कोई ज्यादा एक्सीडेंट की बात है तो वो चलते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि सरकार, आप कह रहे हो कि सरकार के अंदर किसी को सेहत सेवाएं नहीं मिल रही, तो आप मानोगे एक बात, ये मैं विद आंकड़े बात कर रहा हूं, कोई मेरी जबान से बात नहीं कह रहा, रिटर्न कह रहा हूं कि 1,80,00,000 लोगों की सरकारी हॉस्पिटल सरकारी संस्थाओं ने ओपीडी की है। तो आप और पब्लिक कोई भी इंसान ओपोजिशन ये नहीं कह सकती कि हमारा काम सही नहीं चल रहा है। मंत्री जी ओपीडी की, लेकिन क्या वो सेटिस्फाई होके जो ओपीडी जिस मर्ज के लिए उनका इलाज किया गया, क्या वो सेटिस्फाई होकर हॉस्पिटल से निकले? बिल्कुल संतोष जी जाहिर कर रहे हैं लोग आज, और सरकारी हॉस्पिटलों में लोग विश्वास कर रहे हैं, जब भी इतने आ रहे हैं, 91% मैंने डिलीवरी की है सरकारी हॉस्पिटल में, तो लोगों को विश्वास हो रहा है तब भी है। और मैं एक बताऊं बात आपको जी, कि हमारी डेथ रेशो जो है दूसरी स्टेटों से अच्छी है, जो बच्चे की डेथ रेशो जन्म दर में थी 1,000 के पीछे, कई स्टेटें हैं 45-46 है, हमारी 1,000 के पीछे 24 है, जो सेंटर 30 मानती है। सब जो बीज बोया जाता है अंकुरित नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है, और हमारे जो स्टाफ ने काम किया है 1,000 के पीछे 24 बच्चों की डेथ है, मैं बताना चाहता हूं आपको। पंजाब में 4,400 MBBS डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन करीब 1,800 के करीब जो है शॉर्टेज है ये कहा जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश तो की जाती है डॉक्टर्स को लाने की, रिक्रूट करने की, लेकिन जो वेतन है वो 15,600, इस कारण जो है वो डॉक्टर्स आने से मना कर देते हैं। MBBS डॉक्टर कोई कमी नहीं है, ना कमी रहनी है, पहले हमने आप कह रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं है, बताओ मैं थोड़ा सा मेरे सुन लो बात, थी शॉर्टेज अब नहीं है। अभी हमने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से MBBS डॉक्टरों की सिलेक्शन करवाई है जी, तो यूनिवर्सिटी ने 500 डॉक्टर की हमें लिस्ट दे दी जी, सिलेक्शन करके हमने कहा इंटरव्यू नहीं लेनी जी, रिटर्न लो और दो, उन्होंने 2 महीने में एक अच्छा काम करके हमें लिस्ट दे दी 500 की। 378 डॉक्टर हमारे जो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगले महीने वो अपने अपने जहां भी कमी है वहां वो चले जाएंगे। तो MBBS डॉक्टर की कोई कमी कहीं नहीं रहने वाली, सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मैंने पहले कहा 316 डॉक्टर पंजाब में हमारे कम जी, है जी, और वो भी वॉक इन इंटरव्यू। और यहां तक हमने किया है कैबिनेट से पास करके कि एक स्पेशलिस्ट होता है, एक डिप्लोमा होता है जी, तो अगर स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है हमें डिप्लोमा भी मिल जाए
ताकि लोगों को सेहत सेवाएं दी जा सके। जी, तो आप कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है लेकिन एमबीबीएस की अब कोई कमी नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि सरकारी अस्पतालों में ना ही दवाई मिल रही है ना डॉक्टर, खांसी जुकाम बुखार के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं बताऊंगा आपको, आपने कहा आप ये जो कर रहे हो जी पब्लिक देखेगी जी, मैं वार्निंग देके कहता हूं, कोई विपक्ष का एमएलए मेरा नंबर डायरी में है जी, मुझे बुला ले जी, और मैं उस हॉस्पिटल में जाकर उसकी तसल्ली करा के आऊंगा, और कम से कम 8-10 लोगों की मैं तसल्ली करवा के आया हूं। विधानसभा में भी मैंने, जब उन्होंने लोगों ने कहा तो मैंने कहा कौन सा एमएलए मेरे साथ जाना चाहता है जी, दो एमएलए मेरे साथ चलो, अगर मैं आपकी तसल्ली नहीं करा दूं मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। महज प्रोपेगेंडा है आपका, प्रोपेगेंडा होता ही है और करते भी है, उनका आदत है, करना उनका फर्ज भी है। मैं ये कहूं वो क्यों कर रहे हैं, और वो कहने लग जाए कि बादल सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा ही हमारी ढोल पीटने लग जाए तो लोग उनको वोट कौन देगा, उन्हें तो मीन मेक निकालना है। और आज देख रहे हो कि अगर कांग्रेस का वक्ता कोई मंच पे बात करे 5 मिनट से ऊपर बोल नहीं सकता, अगर आज मंच पे अगर बात करे सरदार प्रकाश सिंह बादल 90 साल के होके भी 3 घंटे तक पंजाब की जो किए हुए कामों के गुणगान कर सकते हैं और किया है। इस उम्र में आके भी विधानसभा में 2.25 घंटे रेगुलर विकास की बात करना, तो विकास की बात बातों में बात नहीं होता, किया हुआ काम हो, इंसान के पास मसाला हो, इंसान के पास साधन हो जी, जब मसाला नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता जी। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं जनता जो है उनकी बात सुनती है, क्यों नहीं सुनती है, उन्होंने काम किया है जी। अरे अगर आज कहीं भी आप देखोगे, कहीं डेवलपमेंट की चीज जाके देखोगे, पंजाब के अंदर गांव के अंदर देखोगे, जितनी योजनाएं लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए हमारी सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल की सोच ने, बीजेपी की सोच जो लेके आई है जी, ये कभी नहीं था। पिछले 9 साल में क्या विकास के काम जो है मौजूदा सरकार ने किए? विकास के काम, बिजली, आज बिजली किसान को मिल रही है जी, आज बिजली उद्योग को मिल रही है, आज गांव में रहने वाले लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये कांग्रेस की सरकार थी, गर्मी के टाइम में एसी बंद कर दो, ये बंद कर दो, कट लगते थे, आज कहीं कट नहीं लगता। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लोग सुनेंगे देखेंगे जी, तो कोई जवाब दे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज बिजली मिल रही है, आज सड़कें हैं, आज किसान को पानी मिल रहा है, आज ट्यूबवेल कनेक्शन मिल रहे हैं जी। किसान मतलब फसल जो है, आज पंजाब जो फसल में पूरे देश का अन्नदाता बन के पेट पोषण जो है दूसरे पूरे हिंदुस्तान का कर रहा है जी। अन्नदाता की आपने बात की जानी जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि अन्नदाता के लिए जो है पूरे देश भर में जो किसान है पंजाब का, वो अन्नदाता पूरे देश को अनाज दे रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर सुसाइड क्यों हो रहे हैं, सुसाइड क्यों नहीं रोक रहे? मैं बताऊँ बात क्या है, मेरे फादर कहते हैं, बात तो लंबी हो जाएगी जी, उस टाइम में मेरे फादर कहते हैं कि हम रेड़ी कहते हो आप, गाड़ी कहते हो, गड्ढा कहते हो, रेड़ी कहते हो, बैल की गड्डी कहते जी, जी, वो कह रहे उसमें हम अनाज लेके जाते थे जी, और जो किस आड़ती के पास मतलब शहर में जो पैसे लेके आते थे जी, हमारी फसल के 3,000 रुपए हम बांट के लेके आते थे और 3,000 रुपए हम संदूक में रख देते थे जी, तो 3,000 के 3,000 ही रहते थे, उसमें लगते नहीं थे। आज वो हमें कहते हैं कि आप ट्रालियां भर के कनक अनाज लेके जाते हो और कर्जे के नीचे होके आते हो जी। तो क्या आज खर्चा जो है बहुत ज्यादा हो चुका जी, खर्चा इतना हो चुका कि बिल, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, टेलीफोन का बिल, हर एक घर में साधन और बिना वजह लोग। अब मैं देखो एक बात कहने की है कि अगर हमने ये देखना चलना पड़ेगा कि मेरी अगर आमदन 10,000 रुपए है तो अगर मैं हिसाब से चलूं तो मैं 10,000 में गुजारा कर सकता हूं जी, जी। और मैं ये देखूं कि एक आदमी एक रात के भी 1,00,000 रुपए लगा देता है जी, अब एक आदमी नहाने के लिए 50,000 रुपए खर्च कर देता है तो उसकी रिस्क कहां होगी जी, बिल्कुल अपनी आमदनी के हिसाब से, अपने उस हिसाब से चलें तो दिक्कत नहीं आएगी। सही कह रहे हैं, पर हां एक बात मानता हूं कि किसान को प्रॉब्लम है जी, किसान का जो रेट है जी वो वाजिब नहीं है जी, वो जो है लागत के हिसाब से नहीं है जी, जो फिक्स रेट होता है दिल्ली में अगर लागत के हिसाब से हो कितना खर्चा होता तो उसके हिसाब से हो तो ठीक है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कमी ये रही है, कोई भी सरकार आई पीछे कांग्रेस की सरकार ही, कृषि नीति आज तक नहीं बन पाई किसान, लेकिन अब तो एनडीए की सरकार है, क्या आपकी सरकार बनेगी, कितना टाइम हुआ बनेगी, कांग्रेस ने कभी कृषि नीति का बनना जरूरी है। आज किसान अंधेरे में है, अब किसान आलू लगा देता है जी, और आलू एक बार दाम मिल गए तो सभी किसान आलू लगा देंगे, तो
तो फिर क्या होगा, दाम गिर जाएगा जी। फिर आलू वो सड़क पे गिरेगा जी। किसान का खर्चा लगा कि सिस्टमेटिक फार्मिंग सिस्टमेटिक नहीं है। हमें जब तक किसान नीति नहीं बढ़ेगी, कृषि नीति नहीं बढ़ेगी, और हमें ये किसान को पता नहीं होगा कि मैं ये बो रहा हूं इस हिसाब से बिकेगी, तब तक बात नहीं बढ़ने वाली। इस पे अंकुश सरकार अगर कृषि नीति लगाएगी, इसमें क्या है कि कितने दिन तक ये चीजें चलेगी। आज अगर गन्ने की फसल हो रही है तो आप मानो एक गन्ना, एक किसान सब गन्ने लगा रहा है, गन्ना लगा रहा है, और फैक्ट्री आज मिलें क्यों बंद होगी। आज गन्ना जो है उसका 300 रुपए रेट है, तो एक क्विंटल का 300 रेट, और एक क्विंटल के अंदर 10 किलो चीनी 28 रुपए, 280 की चीनी बिके और 310-320 का गन्ना आए। अगर उसका बाकी पिड़ाई कड़ाई कच्चे माल से भी रेट कम है तो मील कब तक चलेगी, हमें ये देखना पड़ेगा। ये नहीं है तो चलिए सिस्टम को देखना। पंजाब में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जल्द कृषि, आप कह रहे हैं कि कृषि नीति बननी चाहिए, लेकिन मैंने बात की कि कंपनसेशन किसान को जो है वक्त पे नहीं मिल पाता है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज के तले फसल खराब हो गई, 2-3 साल लगातार फसल खराब होती रही, कर्ज बढ़ता गया, और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिली। ऐसे भी किसी सरकार को इस मामले में पहल नहीं करनी चाहिए थी क्या, कंपनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं दिया किसान को? इस बार नरमे का 8,000 दिया है जी, लेबर को भी दिया है जी। जो ये सरकार दे रही है आप मान के चलो जी, बहुत दे रही है जी। किसान और गरीब को इतना कुछ दे रही है। अब किसान को हम बिजली फ्री दे रहे हैं जी, इतनी बड़ी बात है, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं जी। ऐसे भी केसेस हैं जहां कंपनसेशन 2-2 साल से नहीं मिला है? देखो ऐसे कोई केस नहीं है, इस सरकार में तो है नहीं। अभी 8,000 रुपए जो दिए किसानों को सब में बांटे हैं जी, और 3 फसलों को तो मुझे देखते हुए कि किसानों को दे रहे हैं जी, और जो लेबर थी उसको भी दे रहे हैं जी। अभी आप ये चाहो कि किसान सरकार आपदा जो प्राकृतिक आपदा ईश्वर की आपदा आफत कहीं आ जाती है उसकी भरपाई जी ना तो सरकार कर सकती है जी, और ना ये इंसान कर सकता है, ये तो भगवान ही करता है। भगवान का मारा हुआ इंसान भगवान से ही खड़ा होता है। लेकिन अगर इस तरह के केसेस आते हैं कि जहां 2-2 साल से कंपनसेशन नहीं, अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं सरकार के सामने, तो सरकार अपनी गलती मानेगी और कंपनसेशन देगी? अब विधानसभा में मजीठिया जी माल मंत्री हैं जी, और बठल जो है उनका सवाल था, तो उन्होंने कहा लाओ मेरे पास, आप कहीं रह गया है कहीं किसी कानून के किसी कागज की तरफ से, पटवारी की तरफ से कहीं गलती रह भी जाती है, ये नहीं गलती नहीं रहती जी। तो खुला चैलेंज किया, लाओ मैं करवा देता हूँ। दूसरा, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की कि बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, लेकिन कई हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहाँ लगातार उनकी अगर बात की जाए, जैसे लुधियाना का एक हॉस्पिटल है, चर्चित हॉस्पिटल है, आप खुद भी जानते हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वहाँ पर दिक्कत क्या है? क्यों आपके बोलने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद बार बार उस तरह के केसेस जो हैं, बच्चों की मौत को लेकर अगर बात की जाए तो वो क्यों नहीं रुके वहाँ? देखो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, और जितना आपके मीडिया ने इस चीज़ को उछाला, और मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। प्रकृति की नियम है जी, मैं मीडिया को ये कहता हूँ जी, कोई खबर देने से पहले देखो, मीडिया एक आईना है जी, एक शीशा है, और अगर शीशा साफ नहीं होगा, अगर धुंधला होगा जी, तो इंसान अपना चेहरा सही ढंग से नहीं देख पाएगा जी। तो जैसे आप लुधियाना के कह रहे हो जी, आप ये तो देखो कि लुधियाना में 1 महीने में डिलीवरी कितनी होती है, 600 डिलीवरी होती है, 550, 700, 600 इतनी डिलीवरी होती है जी। जी कितने कैसे केस होते हैं देखो जी। अब क्या है प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर है जी, जी अब माताओं में भी है जी। इसके लिए हमें आशा वर्कर ANM हमारी जो मतलब फील्ड में काम कर रही हैं जी, तो वो खुराक की कमी आती है जी, और कुछ केस ऐसे हैं 5%। इतना हमें ताकत लगाने के बाद भी, सरकार ने इतनी सहूलियत देने के बाद भी, घर से लेके आते हैं, घर छोड़ के आते हैं, और जब डिलीवरी पता चल जाता है 2-3 महीने की जब किसी लेडीज की होती है, जब से हमारे स्टाफ पीछे लगता है, उसके दवाई देने की कोशिश करता है, सब कुछ करता है जी, तो उसके पास क्या है, फिर भी खून की कमी। अब खून की कमी कि आज हमारा खान पान कैसा हो गया, मैं ये आप ये कह दो भी सरकार ही सभी चीज की जिम्मेवार है जी। तो मैं तो एक चीज कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आज मैं आवाज लगा दूं जी, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई है ऐसा इंसान खड़ा होकर कहेगा कि मुझे किसी तरह का कोई रोग नहीं, कि मैं बीमार नहीं। हम बीमार क्यों हो गए, कि हम अपना जो कल्चर था, हमारा रहन सहन था, जो पीछे था बुजुर्ग, हम छोड़ दिया, वो बदलाव आया, सोल हो गए, बदलाव आया। आज हम खाते क्या है ये भी देखने की बात है ना जी। अब सरकारें क्या करेगी, अब खाते क्या खाते, हम स्वाद के लिए, सेहत के लिए कोई नहीं खाता जी।
आज हम देख एक इंसान है वो देख रहा है, उसे पता भी है, अवेयरनेस सरकार तो कर रही है, अब लोग भी तो समझे। अब मैं ये कहता हूं, मैं हर एक मंच पे एक चीज कहता हूं कि कमी कहां आ गई कि मेरे हिंदुस्तान के लोगों को, मेरे पंजाब के लोगों को अपनी जिंदगी अपनी जान प्यारी नहीं है, मैं ये कहता हूं जी। तो अब अगर पूछ लो भी आप ये कैसे कहते हो, जिंदगी प्यारी तो एक नाली में पड़े गंदे नाली में पड़े कीड़े को भी है जी, पशु पक्षी को भी है जी, जो अनमोल है उसको भी है, बिल्कुल कैसे नहीं है, उनको तो है पर इंसान को नहीं। क्यों? कि इंसान को सबको पता है कि अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं साथ में मोबाइल भी कर रहे हैं जी, अगर हेलमेट लगा हो जी, तो 95% इंसान की जिंदगी बचती है कि नहीं बचती जी, बिल्कुल। और उसे चलाने वाले को पता है कि हेलमेट लगा हो तो मेरी जान बचेगी, क्या उसको पता नहीं है? पता है, सरकार ने कानून भी बना दिया, अब कहां लगाएगा, जहां पुलिस खड़ी होगी जी। अब जान प्यारी नहीं है, चलान का डर है।